विधायक तो बन के चले जाते हैं, कोई बन के दिल्ली जाना चाह रहा है, कोई उदयपुर बसना चाह रहा है। बीजेपी टिकट देके जाएंगे? नहीं, मेरा बीजेपी का काम है तो मेरी पार्टी है और मैं संभाग लेवल में काम कर रहा हूँ और हमारा समाज का प्रतिनिधि जयपुर जाए। तो ऐसे लोगों में ये रहता है कि यार ये हमारा भी तो कभी नंबर आवे, तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कहते हैं कि हम कब आगे आएंगे। नमस्कार दोस्तों, लेक सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय कुकावत और लेक सिटी न्यूज़ का खास कार्यक्रम राजनीति का रण, चुनावी रण आज से शुरू हो गया है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ यहां के कद्दावर नेता जो कि डांगी समाज से ताल्लुकात रखते हैं, पिछले 25 वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं, पूर्व में भाजपा, वर्तमान में रालोपा में अपना दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में इन्होंने, या यूं कह सकते हैं कि कल ही इन्होंने एक बड़ा आयोजन किया है जिसमें लाखों की तादाद में समाज के लोगों को इकट्ठा किया, एक शक्ति प्रदर्शन किया है। क्या शक्ति प्रदर्शन था, उसमें क्या कुछ खास था, जानेंगे। मेवाड़ के कद्दावर नेता हैं और कहा जाने लगा है उदयलाल जी डांगी, वो हमारे साथ हैं लेक सिटी न्यूज़ के खास कार्यक्रम चुनावी रण में। जी, सबसे पहले लेक सिटी न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो लेक सिटी न्यूज़ को धन्यवाद जो आपने मुझे पूछा है कल के एक महाकुंभ के लिए। ये एक महाकुंभ पटेल पाटीदार डांगी समाज का एक महाकुंभ था। मुझे जो उम्मीद थी उससे कई गुना ज़्यादा लोग आए। मैं इस चैनल के माध्यम से सभी समाज के बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ कि इतनी तादाद में, बारिश में, इतनी धूप में यहाँ आए और एकता का जो एक मिसाल राजस्थान के अंदर दिया। क्योंकि मैं जिस राजनीति में हूँ, कहीं बाहर जाते हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी से मेरा मिलना हुआ और जिस पार्टी में मैं रहा, अभी मैं हूँ, ऐसी बातें आती रहती थी कि आप डांगी, पटेल, पाटीदार, ये अलग अलग कौम जानी जाती थी। क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर कोई डांगी, पटेल, पाटीदार में से कोई नेता रहे नहीं थे ढंग से, इसलिए वहाँ ऐसी कोई बात ऊपर तक पहुँचा नहीं पाए। तो मुझे जहाँ लगा कि क्यों नहीं हम एक मंच पर आ जाएँ, तो हमारे समाज के सभी वर्ग के लोगों को धन्यवाद दूंगा, एकता के मिसाल दिया आपने और इतनी तादाद में आप भेणेश्वर पधारे, इसके लिए तहे दिल से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी। भेणेश्वर में यह महाकुंभ था डांगी समाज का, कहते हैं कि आदिवासियों का महाकुंभ होता, लेकिन वहाँ पे आपने डांगी समाज का महाकुंभ कर दिया और अंत में आपने वहाँ से जाते निकलते वक्त ये कहा धन्यवाद रैली में हम फिर आएंगे, ये क्या चीज़ थी? देखो, भेणेश्वर में तो बड़े बड़े नेता आते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी आए, उनकी भी रैली हुई है, अमित शाह जी भी अभी करके गए, राहुल गांधी जी भी करके गए। तो आप चैनल के माध्यम से, आप तो सब जगह जाते ही हैं, आप देख सकते हैं उन तीनों लोग जो पार्टियों ने पहले जिन्होंने भी करी है उससे हमारी तादाद का अंदाज़ आप लगा सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग आए। रही बात धन्यवाद की, तो निश्चित रूप से हमने तय किया कि क्या महाकुंभ था कल, सबकी नज़रें हमारे ऊपर थी कि ये समाज क्या करना चाह रहा है। तो हमने ना कोई वहाँ सार्वजनिक बातें करी है, मगर एक धन्यवाद हमने सोचा कि इतनी तादाद में दूर दूर से, गांव गांव से लोग आए, तो हम क्यों ना हो भेणेश्वर से उनको धन्यवाद देने के लिए वहाँ की एक टीम जाए और उसी में हमारी समाज को मूल मंत्र देंगे कि हमें आगे क्या करना है। जी, ये है जी। सर, उसमें एक बात मैंने भी सुनी थी और चैनल वो भी चले गई है कि डांगी समाज की जो कुछ मांगे हैं या डांगी समाज के जो प्रतिनिधित्व हैं बीजेपी, कांग्रेस और रालोपा, वो उनकी प्रतिनिधित्व करती है, समाज का जो डिमांड है वो पूरी करती है, अपने जो मैनिफेस्टो उसमें लेती, तो उसके बाद आप उनको समर्थन करेंगे? देखो, वहाँ मंच पे विभिन्न पार्टियों के लोग बैठे थे, सबने अपने अपने विचार रखे, हर पार्टी से उन्होंने अपनी मांग की है, कोई भारतीय जनता पार्टी से मांग कर रहा, तो कोई कांग्रेस से कर रहा कि हमें दें। पर मैं जिस पार्टी से हूँ, माननीय सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल की पार्टी से, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से, मैं चाहूँगा कि मेरी समाज में भी ज़्यादा टिकट दें। और दूसरी बात, दूसरों की पार्टियों की है तो वो भी इसमें निर्णय करे, वो देना चाहे तो अच्छी बात है, हमारा समाज का भी उदान होगा। हम तो यही चाहते हैं कि पार्टी देवें और हमारा समाज का प्रतिनिधि जयपुर जाए। सर, वल्लभ नगर की बात करें तो वल्लभ नगर का जो चुनाव है वो कुछ समय बाद में होने वाले हैं, आचार संहिता भी लगने वाली है और आप यहाँ लगातार एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं, समाज में भी काम कर रहे हैं और दूसरे समाजों में भी आपका एक अच्छा वर्चस्व है।
वल्लभ नगर में इस बार किस तरह का चुनाव होने वाला है? देखो, वल्लभ नगर के साथ साथ मैं संभाग में भी जा रहा हूँ। वल्लभ नगर मेरा एक परिवार है और वहाँ के लोग, वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के मतदाता बहुत समझदार हैं। वो लोग, वहाँ के मतदाता पार्टी के साथ साथ कैंडिडेट को भी देखते हैं। आप देख रहे होंगे, जब मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, वहाँ के कदावर नेता उस चुनाव में नहीं आए, फिर भी मुझे अच्छा आशीर्वाद दिया वहाँ की जनता ने। 2021 में मेरा टिकट काट दिया, फिर भी वहाँ के मतदाताओं ने एक तरफ ऐसा माहौल पैदा कर दिया। राजस्थान की सरकार, पूरी मशीनरी यहाँ लग गई, केंद्र की सरकार यहाँ लग गई, फिर भी यहाँ के मतदाताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। 36 कौम के मतदाताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे चतुर्कोणी संघर्ष में दूसरे नंबर पर रखा। तो निश्चित रूप से जो ये जो चुनाव होने जा रहा है, यहाँ इस बार इनके आशीर्वाद से मुझे वो एक नंबर पे लाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। सर, यूँ बात करें तो बेबाक रूप से या खुले रूप से तो आप दो बार चुनाव हार चुके हैं, इस बार जीत का सहरा किस तरह से बांधेंगे अपने से? देखो, दो बार चुनाव हारने के बाद भी संघर्ष करना बहुत बड़ी बात है। आपने अच्छा सवाल किया है। मैं राष्ट्रीय पार्टी से भी चुनाव लड़ाऊँ और राजस्थान की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से भी चुनाव लड़ाऊँ, फिर भी यहाँ के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा, मेरा मनोबल बनाए रखते हैं। और मैं जब चुनाव हारा हूँ, उस दिन से आज अभी तक आप पूछ रहे हो, ऐसा दिन कोई खाली नहीं है कि मैं वल्लभ नगर के कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं गया हूँ। रोज़ मेरा एक परिवार हो गया। तो यहाँ के लोग यहाँ का काम देखते हैं, कौन हमारे दुख सुख में खड़ा रहता है। ये लोग चाहते हैं कि हमारे विधायक तो बन के चले जाते हैं, कोई बन के दिल्ली जाना चाह रहा है, कोई उदयपुर बसना चाह रहा है, कोई क्या है, मगर मैं हमेशा उनके बीच में रहता हूँ। और एक किसान जो हमारे साथ मेरे साथ ही चुनाव लड़े, तीन और भी इधर लड़े और एक मैं लड़ाऊँ, तो वहाँ की जनता ने एक किसान के बेटे को लाइक करने के लिए पूरा करा। ये तो मशीनरी, सरकारी मशीनरी ने मुझे हरा दिया, मगर वल्लभ नगर की जनता मुझे जीताना चाहती थी, ये मुझे पूरा विश्वास है। पिछली बार हमने पूछा था तीन सिंह और एक लाल, ठीक है, तो इस बार लाल कहाँ से लड़ रहे हैं और किस किस जगह से अपनी सीटों की दावेदारी कर रहे हैं? देखो, कोई जाति विशेष से तो कोई चुनाव लड़ा नहीं जाता जी। वो तो एक चुनावी माहौल में ऐसी बातें निकल जाती है। हमारे तो सब आदरणीय रहे, गजेंद्र सिंह जी मेरे अच्छे दोस्त थे जी, मांझी महाराज साहब के साथ भी मैंने काम किया, ये तो कोई समाज का ऐसा नहीं है जी। पर ये चुनाव के टाइम पे एक माहौल बन जाता है जी। तो मेरे को एक जो वहाँ लोग चाहते हैं, एक परिवारवाद की एक जो परंपरा चली आ रही है, माननीय सत्तावर साहब, स्वर्गीय गजेंद्र सिंह जी, फिर प्रीति जी सत्तावर, तो ऐसे लोगों में ये रहता है कि यार ये हमारा भी तो कभी नंबर आवे। तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कहते हैं कि हम कब आगे आएंगे जी। तो इसलिए ऐसा एक माहौल बन जाता है। बाकी ऐसा हमारे तो कुछ नहीं, हम तो चाहते कि बदलाव हो, जिस तरह से मावली में है, हर बार एक नया विधायक आ जाता है तो विकास होता है, ऐसा क्या कि ऐसा माहौल हमारे वल्लभ नगर में भी बने, ये मैं चाहता हूँ। सर, सबसे बड़ी बात यहाँ होती है कि एक तरफ अगर हिम्मत सिंह जाला है, एक तरफ प्रीति शक्तावत मैडम है और एक तरफ महाराज साहब जो बिंडर के हैं, ये तीनों ही होने के बावजूद आप किस तरह से इनको मैनेज करेंगे? क्योंकि यहाँ से चुनाव लड़ना और जीतना बहुत बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि मेवाड़ का जो सबसे हॉट सीट होती है वल्लभ नगर मानी जाती है, तो इस बार क्या कुछ ऐसा कुछ करेंगे जिससे? देखो, मैं चुनाव के बाद रेगुलर फील्ड में हूँ, जनता बदलाव चाहती है और इस बार आप देखना, ये नहीं हो कि तीनों एक हो जाए, जनता परिवर्तन चाह रही है और यहाँ परिवर्तन करके रहेगी वल्लभ नगर की जनता, ये तय बात है, परिवर्तन चाहती है। बीजेपी टिकट देगी जाएंगे? नहीं नहीं, मेरा बीजेपी का काम है तो मेरी पार्टी है और मैं संभाग लेवल में काम कर रहा हूँ, ये तो पार्टी वाले आप पूछ रहे हो, इसे क्या हो जाएगा। सर, क्या माने इस बार जनता को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि लगातार पिछली बार भी कांग्रेस थी, वर्तमान भी कांग्रेस है, तो उनका काम किस तरह का रहा? आप फील्ड में जा रहे हैं, घूम रहे हैं। मैं वल्लभ नगर की जनता से अपील करता हूं इस चैनल के माध्यम से कि मैं जब से आपके बीच में आया हूं, आपके हर दुख सुख में खड़ा रहा हूं और आपने भी मुझे अच्छा आशीर्वाद दिया है, मुझे हर जगह छोटे मोटे प्रोग्राम में आप याद करते हैं, इसी की बदौलत मैं आपके बीच में हूं। पर मैं दो चुनाव हार चुका हूं, मैं सभी मतदाताओं से और वल्लभ नगर की सारी जनता से अपील करता हूं, ये मेरे लिए भी एक आखिरी चुनाव है और वल्लभ नगर के इस परिवर्तन में मेरा साथ दीजिए, यही मैं इस चैनल के माध्यम से मैसेज करवा रहा हूँ। बात करने में धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखिए, दो बार चुनाव हारने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारे हैं उदयलाल जी डांगी, और इस बार भी अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त हैं
और हो सकता है ये जीत भी जाएं, लेकिन यहाँ का जो चुनाव है वो काफ़ी हॉट सीट वाला चुनाव होता है और काफ़ी दंगल वाला होता है और यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना हर पार्टी को पूरा करना होता है। फिर भी रालोपा इस बार वापस फिर मैदान में है और उदयलाल जी रंगी ने अपना पूरा मन बना लिया है कि वल्लभ नगर से वो इस बार तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे और ये उनका अंतिम चुनाव होगा। ऐसी ही बेहतरीन कवरेज के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए लेक सिटी न्यूज़ राजस्थान। आप भी हैं विधानसभा के प्रत्याशी तो हमसे संपर्क जरूर करें।